नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने UPSI 95-134 जो पद है उसके लिए रनिंग की लिस्ट जारी कर दी गई है। साथ में कुछ नियमावली चेंज हुई है उसके संदर्भ में एक नोटिस जारी की गई है। ये जो आपका पहला चरण है 5 मई से लेकर 7 मई तक रनिंग कराई जानी है। लगभग 7600 बच्चों की लिस्ट जारी की गई है और इनमें कुछ मुख्य बिंदु भी हैं, इन्हें हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगामी परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का निःशुल्क बैच परीक्षा प्लस चलाने जा रहा है, तो आपके जो छोटे भाई हैं आप तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा प्लस से बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। बहुत दमदार निःशुल्क में तैयारी आपकी कराई जानी है, पूरा का पूरा बैच निःशुल्क होना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बैच का। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है ये जानकारी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहली नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया है और इसमें जो पुरुषों के लिए है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में करनी है, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है 16 मिनट में कवर करनी है। इसके लिए एक समिति गठित की गई है। इसके लिए हालांकि आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ आपको कि जिला मजिस्ट्रेट एक नाम निर्दिष्ट करेगा। किसका नाम निर्दिष्ट करेगा? उप जिलाधिकारी या डिप्टी कलेक्टर के रैंक का होगा। ऐसे ही एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होगा वो एक नाम निर्दिष्ट करेगा जो चिकित्सा अधिकारी के रैंक का होगा, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी एक नाम निर्दिष्ट करेगा जो उप पुलिस अधीक्षक के रैंक का होगा। तो यहाँ पे सारे वो होंगे, और इसके अतिरिक्त भी कोई जो अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कुछ नीड या नेसेसिटी पड़ती है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक कमेटी में एक मेंबर यहाँ पे होगा जो कहीं ना कहीं एक अधिकारी के ही रैंक का होगा, और वो उसके निम्नतम जो रैंक होगी वो निरीक्षक स्तर की होगी पुलिस विभाग में। साथ में ही यहाँ पे कुछ पॉइंट जो दिए गए हैं, इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बायोमेट्रिक है वो बायोमेट्रिक यहाँ पे प्रावधान किया गया है। जो बायोमेट्रिक आपकी रिटर्न के टाइम में ली गई थी उसी बायोमेट्रिक का मैच करेगा तभी आप रनिंग करने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सारे उपकरण जो हैं वो लेटेस्ट अपडेटेड हैं और इलेक्ट्रॉनिक हैं। जो रनिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक चिप के द्वारा आपकी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु हैं। बाकी एक बिंदु यहाँ पे इसमें ये भी बताया गया है कि आपका जो परिणाम होगा वो वहीं पे जो कमेटी होगी वो हस्ताक्षर करके आपको बता देगी, आपका भी हस्ताक्षर लेगी और खुद का भी हस्ताक्षर करेगी, और उसका लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। मतलब सेम टाइम पे पता चल जाएगा कि आप दौड़ में सफल हुए हैं या असफल हुए हैं। तो आपका देखा जाए तो 5-6-7 दिन में आपका होना है। पहले चरण में जितने बच्चे जा रहे हैं, अगर लिस्ट में आपकी बात करूं तो ये लगभग 7600 बच्चों की लिस्ट है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से स्वास्थ्य ठीक रखिए, और ये आपके जो मुख्यालय जो जनपद में होने हैं उसके लिए तैयार भी हो जाइए, स्वास्थ्य ठीक रखिए, ईश्वर आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।